जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है चीन। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक से तो इसको आप पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं इसको, थोड़ा सा बैठाने की कोशिश करेंगे, अब आपको समझाएंगे। सबसे पहले क्या है, विराम चिन्ह या पूर्ण विराम किसे कहते हैं, ये वाला चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह है। मतलब कि कोई भी चीज़ हम जब लिखते हैं तो लास्ट में क्या लगा देते हैं, ऐसे एक विराम चिन्ह लगा देते हैं, मतलब कि इसके बाद कहानी खत्म, मतलब कि काम खत्म हो गया। सबसे अधिक प्रयोग होता है इस विराम चिन्ह का, सबसे अधिक प्रयोग होता है इन चिन्हों में से किसका, इसी का। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद है अर्ध विराम, ये वाला चिन्ह देख रहे हैं, एक बूंदी है और फिर ऐसे, क्या है, अर्ध विराम। इसके बाद है अल्प विराम, ये छोटा सा, ये ऐसे करके ऐसे बीच में करते हैं कभी कभी, देखे होंगे आप। तो ये क्या है, अल्प माने छोटा, अल्प माने क्या होता है, छोटा। तो इसके तुलना में छोटा है कि नहीं, देखिए ये बूंदी के बाद ऐसे लगा दिया गया है और ये क्या है, ऐसे खाली है, तो छोटा है, अल्प है, मतलब अल्प है। तो हो जाएगा आपका ये अल्प विराम, क्या हो जाएगा, अल्प विराम। ये अर्ध विराम है, आप देखिए अर्ध विराम। इसके बाद है अपूर्ण विराम, अपूर्ण क्या है, डबल बिंदी लगा दीजिए ऐसे ऐसे, ये होता है अपूर्ण विराम। जैसे आप देखे होंगे कोई प्रश्न लिखता है कि प्रश्न, इसकी बिंदी देता है, इसके बाद इसका उत्तर लिखता है, इसका मतलब इसके आगे अभी कुछ लिखना है, ठीक। तो ये क्या है, अपूर्ण विराम है, जैसे हो गया ना। अच्छा है, लिखते हैं प्रायः, प्रायः इसके आगे कुछ और लिखना है हमें, ये क्या है, अभी अपूर्ण है, इसलिए कहते हैं इसको क्या, अपूर्ण विराम। बात समझ में आ रही है, ये हो गया आपका अपूर्ण विराम, ये हो गया अल्प विराम, ये हो गया आपका अर्ध विराम। ये तीनों से क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है तो, क्योंकि ये तीनों कन्फ्यूजन करता है, तो इसको थोड़ा दिमाग से बैठा लीजिएगा। अल्प माने छोटा, तो छोटा सबसे यही तो दिख रहा है, तो छोटा यही है। अर्ध विराम ऐसे, अर्ध माने आधा, क्या करता है, दो अर्ध विराम का काम क्या है, अर्ध विराम का काम है दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाक्यों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आपको राइट आंसर देना पड़ेगा ये वाला, या ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ऑप्शन में ये लिखा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अर्ध विराम, अल्प विराम छोटा। एक ही प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया शब्द के बदले, इसके लिए बोलते हैं अल्प विराम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, ये आप देख रहे हैं विस्मय, विस्मय बोधक, इसे बोलते हैं विस्मय बोधक। विस्मय का कोई दिख रहा है आपको, वहाँ लगा सकते हैं, या कोई आश्चर्य हो गया या कोई हर्ष के लिए, इसके लिए लगाया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विस्मय कार्य के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं, आश्चर्य के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं, या हर्ष के लिए दिखाने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपका विस्मय बोधक, ठीक। इसके बाद है आपका भाई उद्धरण, ठीक है। उद्धरण का प्रयोग जो है, आप देखें ऐसे चिन्ह का प्रयोग ऐसे है, ऐसे है, सिंपल है, और ये शब्द को विशेष प्रकट करने के लिए किया जाता है। कोई शब्द है विशेष आपको दिख रहा है कि, तो उसको हम ऐसे कोष्ठक में हल्का हल्का बूंदी ऊपर से लगा देते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है। ये उद्धरण कैसे, इसको हम याद करें कि ऐसा चिन्ह होता है, तो आप ये ध वाला देखिए, ध दिख रहा है आपको, तो ध कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, एक इधर से और एक इधर से, ये ध जैसा दिख रहा है, तो कह सकते हैं कि उद्धरण, इससे पकड़ना है आपको, इसी चीज़ से पकड़ लेंगे तो आप जान जाएंगे कि इसका चिन्ह ऐसे होता है, दिमाग में छप जाएगा। इसको एक बार आप लिखिए, नहीं छपेगा तो कहिएगा हमको। अगला है कोष्टक का प्रयोग, कोष्टक कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, ये तो सिंपल है। आगे हंस पद चिन्ह, हंस पद चिन्ह कैसा होता है, ऐसा, आप देखे होंगे कोई पद जैसे लिख रहे हैं लाइन, कहीं कहीं जगह कम रहता है, छूट जाता है, तो बाद में उसको ऊपर ऐसे करके उसके ऊपर कुछ लिख देते हैं, मतलब इसका ये है, ठीक है। तो यही है हंस पद चिन्ह, आप समझ रहे हैं, हंस पद चिन्ह। तो हंस का जो है मुंह जो है ऐसे ही होता है, ऐसे होता है हंस, ठीक है। तो ये है ये, तो इसी कहते हैं हंस पद चिन्ह, ठीक है, आप समझ गए होंगे हंस पद चिन्ह। इसके बाद है योजक, योजक मैंने छोटा सा ही दिखेगा आपको, छोटा सा ऐसा डैश जो है, क्या है योजक, मतलब जब कोई लाइन यहाँ लिखते हुए जा रहे हैं, लिखते हुए जा रहे हैं, लास्ट में जब आधा लिखेगा कुछ बच गया,
तो वहाँ पर ऐसे करके और यहाँ से फिर शुरू कर देते हैं, मतलब उसमें ये शब्द जुड़ा हुआ है। योजक मैंने जोड़ा हुआ शब्द, ठीक है, ये जोड़ने का काम करता है शब्द को, मतलब ठीक है। तो योजक, आपको समझ आ रहा बात को, कि है आपका योजक चिन्ह। इसके बाद है निदेशक चिन्ह, निर्देश देने के लिए ऐसे करिए डैश, निर्देश देने के लिए किया जाता है। रेखांकन, मतलब कोई लिखा लाइन उस पर रेखा खींच देती है, ये हो गया रेखांकन। ये नीचे होता है, ये बीच में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो आपको दिखाएगा, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है इनका नाम किसी का दे के पूछेगा कि इसका चिन्ह कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन एक बनता है, हो सकता है। या दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी का, कि कोई लाइन लिख देगा आपको, एक दो लाइन लिख देगा, उसमें किसी एक चिन्ह का प्रयोग कर देगा, बोलेगा कि इस पंक्ति में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, बताइए। आपके ऑप्शन रहेंगे, बताना होगा आपको। इसके बाद है लाधव, लाधव चिन्ह का ऐसा कैसा है, गोल राउंड। तो लाधव में वो देखिए, वो जो है ये बिंदी है, तो इसी से याद करिए, वो जो है ऐसा ही बनेगा आपका लाधव, ठीक है। इसी से बनाइए ट्रिक, लाधव का ऐसा है। लूप, मतलब कि लूप 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 लाइन देखिए, लूप 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 आ रही है, देखिए लूप 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 हो रही है, तो लूप चिन्ह का ऐसे होता है, लूप लुपाना, लूप लूप आ रही है, कहीं जल रही है, कहीं बुझ रही है, कहीं जल रही है, कहीं बुझ, लूप लूप आ रही है, ठीक है। इसके बाद गोली, गोली ऐसा होता है, ये गोली ये नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा। क्या होता है गोली, मैंने ऐसा गोली, ठीक है, पूरा रंगा हुआ ऐसा, पूरा गोली ऐसा गोली। इसके बाद समाप्ति सूचक चिन्ह, मतलब कोई चीज़ लिखते हुए जा रहे हैं, लास्ट में सब खत्म हो जाता है पंक्ति, तो यहाँ लिख देते हैं समाप्ति हो गया, या ऐसे कर देता है लास्ट में आदमी। किताब में देखे होंगे आप, कभी कभी मिलता है देखने को। इसके बाद है आपका विवरण, जो कि ऐसे होता है, तारक चिन्ह ये है, योग मैंने जोड़ ये है, ये होता है, ऐसा तिर्यक नहीं होता है, ऐसा वाला गलत हो जाएगा, ठीक, ये वाला होता है तिर्यक। इसके बाद है तुल्यात्मक, मतलब कि बराबर चिन्ह को बोलते हैं तुल्यात्मक, क्या बोलते हैं तुल्यात्मक, जैसे दो बराबर दो, तुलना कर रहा है, तो तुलनात्मक चिन्ह है, ठीक है।